जर्मनी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देगी। एक समय था जब जर्मनी भारी कर्ज में डूबा था, लेकिन आज जर्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन गया है। जर्मनी ने आश्चर्यजनक तरीके से काफी तरक्की की है। तो आज हम आपको जर्मनी के बारे में कुछ ऐसे ही चौंका देने वाली जानकारियां देते हैं। किसी को एडवांस में जन्मदिन की बधाई देना आम बात है, लेकिन जर्मनी में किसी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे नहीं बोला जाता, क्योंकि ऐसा करना एक बैड लक माना जाता है। दुनिया की सबसे पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में ही लॉन्च की गई थी, और आज जर्मनी दुनिया के सबसे ज्यादा किताब छापने वाले देशों की गिनती में आता है। जर्मनी के 70% हाईवे ऐसे हैं जिन पर आप कितनी भी तेज स्पीड में गाड़ी चलाओ, इस पर कोई कानून नहीं है। अब तक जर्मनी के कुल 7 शहर इस देश की राजधानी बन चुके हैं, जिनमें शामिल है हाकिन, रेगन्सबर्ग, फ्रैंकफर्ट और मेन, न्यूरेमबर्ग, वाइमार, बॉन और बर्लिन। फोन पर सबसे पहले हेलो बोलना एक आम आदत है, लेकिन जर्मनी के लोग फोन पर हेलो न बोलकर अपना नाम बताकर बातचीत शुरू करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जर्मनी के जेल से अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ ऐसी मानसिकता है कि आजादी हर व्यक्ति का अधिकार और स्वभाव है। पहले विश्व युद्ध के बाद जहाँ जर्मनी को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी, वही यहाँ पुरुषों की संख्या में बेहद कमी आ गई थी। उस दौरान यहाँ 1000 महिलाओं पर सिर्फ 350 पुरुष ही रह गए थे। हिटलर के शासन में नाजी सलाम ना करना अपराध माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि आज नाजी सलाम करना अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा करने पर 3 साल के जेल का भी प्रावधान है। जर्मनी में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन जुर्म है, लेकिन इसके विपरीत शराब पीना गैरकानूनी नहीं है। दुनिया भर में पहली पसंद बन चुकी कार कंपनियां BMW, ऑडी और मर्सिडीज बेंच जर्मनी की ही है। 1936 में जर्मनी में हुए ओलंपिक में हॉकी का एक मैच भारत और जर्मनी के बीच हुआ था, जिसमें भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से जर्मनी को 8-1 की जबरदस्त शिकस्त दी थी। तब जर्मनी के शासक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश करते हुए उन्हें एक खास पद भी देने का ऑफर दिया था, लेकिन देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के ऑफर को ठुकरा दिया था। जर्मनी की सेना को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर उनके अधिकारियों द्वारा दिया गया कोई आदेश अगर सेना को मानवता के खिलाफ लगता है तो सेना उस आदेश को मानने से इनकार कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की रेड आर्मी ने 13 से 70 साल के बीच की करीब 20 लाख जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोका-कोला का आयात काफी मुश्किल हो गया था, ऐसे में उस समय जर्मनी ने खुद ही अपना एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, और वो है फैंटा। जर्मनी में होमोसेक्सुअल लोगों से भेदभाव नहीं किया जाता, और होमोसेक्सुअल लोगों से भेदभाव यहाँ गैरकानूनी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही कुछ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए टॉप 10 लिस्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।